लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मेरठ मंडल के विधायक और मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए छपरौली से आरएलडी विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी को लेकर नेटवर्क 10 संवाददाता ने आरएलडी विधायक अजय कुमार से खास बातचीत की, सुनिए। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ मंडल की बैठक चल रही थी। हमारे साथ विधायक है अजय कुमार जी, उनसे बात करेंगे। सर, बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, आज समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक में ये देखा जा रहा था कि कैसे पिछले विगत वर्ष जो विगत विधानसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव में कैसे हमारी परफॉर्मेंस रही, हमारे प्रत्याशी कितने विजयी रहे। और ये हमारा सौभाग्य है कि मेरठ मंडल का हमारे पांचों के पांचों सांसद एनडीए से जीते हैं। इस बात के लिए मुख्यमंत्री ने मुक्त कंठ से हम लोगों की प्रशंसा भी की और बधाई भी दी और आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी किया। 10 सीटों पर उपचुनाव होना, उसको लेकर क्या चर्चा की गई? आज उपचुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, यही हुई कि जनता के बीच रहो, अच्छे से काम करो, सेवा करो, जनहित के मुद्दे सामने रखो, उन पे काम किया जाएगा। अफसरों की मनमानी को लेकर विधायक लोग जो है लगातार पत्र लिख रहे हैं, शिकायतें बता रहे हैं, ये तो चलती रहती है, इसमें कोई ऐसी नहीं, सुनी नहीं जा रही है? नई बात नहीं, सुनी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बीजेपी के विधायकों की नहीं सुनी जा रही? नहीं, ऐसा बीजेपी के विधायक का कोई विधायक विधायक में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, वो कोई भी पार्टी का हो, सबकी सुनी जानी चाहिए। अच्छा, सुनी जानी चाहिए, लेकिन सुन नहीं रहे क्या? जो न्यूक्रेसी हावी है, कोई सुन रहे नहीं सुन रहे तो उनकी लोग शिकायतें करते हैं, वो उनको संज्ञान लेते हैं, अधिक मुख्यमंत्री जी लेंगे। बिल्कुल, ये थे अजय कुमार जी, जिन्होंने नेटवर्टन से बात की। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ मेरठ मंडल की बैठक चल रही थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले चुनाव के बाद आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है और जिस तरीके से अफसरों की नाराजगी चल रही है उसको लेकर भी अजय कुमार का कहना है कि कहीं ना कहीं जो शिकायतें हो रही है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। दिलीप से मिला चंद नेटवर्टन लखनऊ।